हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। अंजलि किचन में सभी का स्वागत है। आज का रेसिपी है ग्वार फली का भुजिया बनाने का तरीका। बहुत ही आसान तरीके से आप ग्वार फली का भुजिया बना सकते हो। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी और रोटी के साथ, चावल के साथ भी खा सकते हो। बनाने का भी बिल्कुल अलग तरीके से बनाने का प्रोसेस बताएंगे। झटपट से बनकर तैयार होने वाली ग्वार फली का भुजिया अब हम बनाने का प्रोसेस में चलते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 केजी ग्वार फली ले ली है धो करके, आप वीडियो के अनुसार देख सकते हो। अब इसे एक प्रेशर कुकर में डालकर 1 सीटी आने तक इसे उबाल कर लेंगे। सभी को प्रेशर कुकर में डाल दी है, क्योंकि कच्चे ग्वार फली आप रेसे वगैरह निकाल लोगे मगर तब भी उसमें रेसे लगे हुए रह जाते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे 2 बड़े गिलास पानी डालकर इसे उबाल कर लेंगे, ताकि रेसे अच्छे तरीके से निकल जाए और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगे। अब इंडक्शन स्टोव के हाई फ्लेम पे 1 सीटी आने तक इसे उबाल कर लेंगे। 1 सीटी आ गई है, अब इंडक्शन स्टोव को बंद करेंगे और प्रेशर कुकर को ठंडा कर लेंगे। ठंडा हो गई है, अब ग्वारफली को एक बार चेक कर ले, बहुत अच्छी तरीके से उबाल हो गई है। ग्वारफली मिक्स करने के लिए लहसुन, हरी मिर्च, 1 टमाटर और 2 बड़े साइज का प्याज कट कर ली है लंबाई शेप में। अब सभी ग्वारफली को ठंडा करके ले ली है। अब इसे रेसे निकालने का तरीका बताएंगे। आप एक साइड से रेसे निकाल लें, बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। फिर दूसरे साइड से निकाल लें, बहुत ही आसान तरीके से निकल गई है। इसी तरह से सभी ग्वार फली को आप रेसे निकाल लें, एक वीडियो में बता दी है। अगर बड़े ग्वार फली है तो आप बीच से 2 भाग कर लें, चाकू से या हाथ से भी कर सकते हो। सभी को 2 भाग कर ली है। अब इंडक्शन स्टोव पे 1 कढ़ाई को हाई गरम कर लेंगे। हाई फ्लेम पे 4 चम्मच सरसों का तेल डालकर कढ़ाई के चारों तरफ फैला लें। तेल हाई गरम हो गई है, यहाँ पे 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, हरी मिर्च कटी हुई, यहाँ पे आप सूखी मिर्च भी डाल सकते हो, कटी हुई लहसुन, कटी हुई प्याज। अब इसे सुनहरे होने तक भूंज लें, चलाते रहें, हाई फ्लेम पे ही भूंज लें। 5 मिनट तक हमने सुनहरे होने तक प्याज को भूंज ली है। अब यहाँ सूखे मसाले ऐड करेंगे, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, जीरा मरीच, धनिया का मिक्स पाउडर 1 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक। अब तेल में ही अच्छी तरीके से जीरा मरीच, धनिया और हल्दी पाउडर को भूंज लेंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे पानी का भी यूज करके मसाले को भूंज सकते हो। मसाले 2 मिनट के लिए भूंज ली है। अब यहाँ पे टमाटर डालकर इसे अच्छी तरीके से टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे, ताकि अच्छी तरीके से टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और भून जाए तेल के साथ। अब टमाटर भी भून गई है तो सभी ग्वार फली को डाल देंगे। इसे कवर नहीं करना है। अब आंच को मीडियम कर लें, मीडियम फ्लेम पे ही 10 मिनट तक बिना कवर किए हुए इसे अच्छी तरीके से भूंज लें। बिना कवर किए हुए 5 से 7 मिनट तक इसे भूंज ली है चलाते हुए। अब अच्छी तरीके से सभी ग्वार फली भूंज गई है। अगर आप सब्जी भी बना रहे हो तो इसी तरह से ग्वार फली को उबाल करके ही बना, क्योंकि कच्चे ग्वार फली में बहुत रहे, इसलिए ग्वार फली को उबाल कर ही बना। अब भुजिया बन गई तो इंडक्शन स्टोव को बंद करेंगे और ग्वार फली का भुजिया 1 प्लेट में परोसने का प्रोसेस में चलते हैं। ग्वार फली का भुजिया बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पे गार्निशिंग के लिए 3 हरी मिर्च को लंबाई शेप में कट कर ली है, सभी ग्वार फली के भुजिए के ऊपर डाल देंगे। ग्वार फली का भुजिया बनाने का तरीका अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना।
पहली बार देख रहे हो तो बेल आइकन दबा देना, वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।